आज की इस वीडियो में हम आपके साथ पाकिस्तान के मल्टी टैलेंटेड अदाकार फहद मुस्तफ़ा के बारे में मालूमात शेयर करेंगे। अगर आप इनकी रियल लाइफ, एज, फैमिली, एजुकेशन और फेयर के बारे में मुकम्मल मालूमात जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और इसके साथ अगर हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फहद मुस्तफ़ा, जो कि पाकिस्तानी शोबीज इंडस्ट्री का एक बड़ा कामयाब नाम है, जिन्हें हम जीतो पाकिस्तान होस्ट करते हुए भी देखते हैं, और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इनका फैन बन चुका है। अदाकार फहद मुस्तफ़ा ने अपनी शानदार अदाकारी के अंदाज और टैलेंटेड के बायस बड़े बड़े अदाकारों को पीछे छोड़ दिया। इनकी दिलकश पर्सनैलिटी का हर कोई दीवाना बन चुका है। पाकिस्तानी शोबीज में फहद मुस्तफ़ा के नाम से मशहूर अदाकार का असल नाम फहद सलाहुद्दीन है, जो कि शोबीज में अपने स्टेज नाम से मशहूर हैं। अदाकार फहद मुस्तफ़ा 26 जून 1983 को लाडकाना में पैदा हुए। इस वक्त इनकी उम्र 39 ईयर्स है और अब वो अपनी फैमिली के साथ कराची में रिहाइश पजीर हैं। अगर इनकी फैमिली के बारे में बात करें तो उन्होंने सिंधी फैमिली में आँख खोली। इनका ताल्लुक एक आटक फैमिली से है। इनके वाल्द का नाम सलाहुद्दीन तीनू है, जो कि शोबीज के एक कामयाब सीनियर अदाकार और प्रोड्यूसर हैं, और इनकी वालदा एक हाउसवाइफ हैं। इसके अलावा इनकी फैमिली में इनके दो भाई और एक बहन है। इनके बहन भाइयों का ताल्लुक शोबीज से नहीं है। प्लीज़ सब्सक्राइब लेटेस्ट शोबीज न्यूज़, और साथ ही दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अगर फहद मुस्तफ़ा की हाइट के बारे में बात करें तो इनकी हाइट 6 फुट है और इनका मजहब इस्लाम है और इनका वेट 68 kg है। अगर अदाकार फहद मुस्तफ़ा की एयर कलर की बात करें तो इनका एयर कलर ब्लैक है और आइज कलर भी ब्लैक है। अगर अदाकार फहद मुस्तफ़ा की मैरिड लाइफ की बात करें तो असल ज़िंदगी में शादीशुदा हैं। इनकी शादी 2005 में सना फहद से हुई। इनकी बीवी सना फहद एक राइटर हैं। वो अपनी शानदार अदाकारियों की वजह से एक बार बेस्ट टीवी राइटर के तौर पर भी नॉमिनेट हो चुकी हैं। अदाकार फहद मुस्तफ़ा इस वक्त दो बच्चों के बाप हैं। 2011 में अल्लाह ताला ने इन्हें एक बेटी से नवाजा, जिसका नाम उन्होंने फातिमा फहद रखा, और 2016 में इनके यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई, जिसका नाम उन्होंने मूसा रखा। अदाकार फहद मुस्तफ़ा अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इनकी खूबसूरत फैमिली फ़ोटो अक्सर सामने आती रहती हैं। अगर इनकी एजुकेशन की बात करें, इब्तदाई तलीम कराची से ही हासिल की, जिसके बाद गाइड मेडिकल यूनिवर्सिटी से फार्मेट बनने की तालीम हासिल की, लेकिन डिग्री मुकम्मल होने से पहले ही उन्होंने अपनी तालीम छोड़ दी और शोबीज में कदम रखा। अदाकार फहद मुस्तफ़ा की अगर शोबीज की बात करें तो उन्होंने 2002 में बतौर अदाकार और मॉडल शोबीज में कदम रखा। वो अब तक 12 से ज़्यादा पाकिस्तानी फिल्मों और 27 से ज़्यादा पाकिस्तानी ड्रामों में अपनी शानदार अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं। अदाकार फहद मुस्तफ़ा की वजह शोहरत जीतो पाकिस्तानी शो की होस्टिंग है। वो एक मॉर्निंग शो में भी होस्ट कर चुके हैं और इसके अलावा वो कई कामयाब ड्रामे भी प्रोड्यूस कर चुके हैं, और इसके अलावा वो कई ब्रांड्स और डिज़ाइनर के लिए भी काम करते नज़र आते हैं। अदाकार फहद मुस्तफ़ा अब तक 50 से ज़्यादा पाकिस्तानी ड्रामों में बतौर मॉडल और प्रोड्यूसर अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा चुके हैं। उन्होंने बतौर अदाकार चंद एक ड्रामों के नाम मकार, ये ज़िंदगी है, तुम जो मिले, मैं अब्दुल कादर हूँ, मैं चांद सी, मेरा साईं तू, दाग, कंकर, दूसरी और बीवी और दीगर हैं। अगर इनके अवार्ड्स की बात करें तो उन्होंने अब तक 15 से ज़ायद अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं, जबकि वो 5 बार अवार्ड भी अपने नाम करवा चुके हैं, जिसमें वो बेस्ट होस्ट, बेस्ट एक्टर्स और बेस्ट टीवी एक्टर का अवार्ड अपने नाम करवा चुके हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था के प्रोड्यूसर भी फहद मुस्तफ़ा ही हैं। तो नाज़रीन, आपको फहद मुस्तफ़ा के बारे में मालूमात जानकर कैसा लगा? आपकी इनकी अदाकारी और पर्सनैलिटी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।